क्लास स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्स ऑर्गेनाइजिंग में हम राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानेंगे ठीक है थीके? अगर हम बात करें सेल्स ऑर्गेलिक की तो हम पता है कि हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनैलिज है ठीक है न्यूक्लियस है राइडोसोम्स है माइक्रोकॉनिया है प्लास्टिक है एनडोप्लासैटिकुलटिस है ठीक हैलिस है सेल्स है, की ठीक है अगर हम रिकॉल करें तो हमारे पास सेल क्या था हमें लास्ट टाइम पढ़ाया कि सेल हमारे पास एक बिल्डिंग ब्लॉक है फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म और सेल की अगर माइक्रोस्कोपिक uh, स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनलिज आती थी हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास साइटोप्लाज्म क्या है साइटोस्कल्टन क्या है सेल वॉल क्या है सेल मेम्ब्रेन क्या है ठीक है और ऑर्गेनलिज ये हमारे पास सारी ऑर्गेनलिज है आज हम जिस ऑर्गेलि के बारे में जानेंगे वो है राइबोसोम्स और माइटोकॉन्डियो के ठीक है न्यूक्लियस हम पढ़ चुके हैं राइबोसोम्स की तो हम कहते हैं कि राइबोसोम्स क्या होते हैं राइबोसोम्स आर टाइनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म ठीक है इसको टाइनी भी पढ़ते हैं टीनी भी पढ़ते हैं अच्छा हम क्या कहते हैं कि ये जो राइबोसोम्स होते हैं ना

होती है, वो हमारे पास क्या होती है सेल वॉल होती है ठीक है इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास सेल वॉल यहाँ पे सेल वॉल होगी यहाँ पे सेल मिम्रेन होगी ठीक है ये हमारे पास वॉल्स होती है सेल मिम्रेन या प्लाज्मा प्लाज्मान होती है और इसके अंदर जितना भी फ्लूइड हमें नजर आ रहा है जितना भी एक सीरपी सा एक हमें थिक सा नजर आ रहा है जैसे यहाँ पे जो है वो पर्पलिश कलर में यहाँ पे लाइट ब्लू कलर में आपको फील हो रहा होगा ठीक है हमारे पास क्या होता है ये साइटोप्लाज्म होता है और राइबोसोम्स के यहाँ प्रेजेंट होते हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर एक छोटे से दानेदार सी साख्त होती है ठीक है टाइनी छोटे से ग्रेन्यूल्स की फॉर्म ये हमें ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर वो वाली स्ट्रक्चर होती है छोटी सी जिसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं ठीक है तो अगर आप यहाँ पे एक एनिमल सेल में देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास राइबोसोम्स कहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है राइबोसम्स और राइबोसोम आपको कहाँ फिलोरे यहां पे ठीक है अब ये देखिए ये जो आपको पीली सी येलो कलरमिक नजर आ रही लाइन लाएं सी लाइंस क्या है ये कौन सा स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं कि हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ठीक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर हम कहते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो हमारे पास इनके ऊपर छोटे छोटे से ये जो ब्लैक कलर में डॉट्स से नजर आ रहे हैं जैसे बिल्कुल आपको नजर आ रहे होंगे ठीक है ये जो डॉट्स होते हैं डॉट्स को हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ये हमारे पास राइबोसोम्स है ठीक है इसी तरह अगर प्लांट आ, सेल की बात करें प्लांट सेल के अंदर भी शायद आप अपनी बुक में देखेंगे ये डायग्राम तो आपको शायद फील हो कि हमारे पास ये जो एक ब्लू सा मेटीरियल है उसके अंदर एक छोटे दाने 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 पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे हुए नजर आ रहे हैं ठीक है स्कैटर्ड फॉर्म में ग्रैन्यूल्स नजर आ रहे हैं ठीक है डॉट्स डॉट्स से नजर आ रहे हैं इसलिए हम

फ्लोटिंग फ्रीली इन साइटोप्लाजम ठीक है ये या तो कहां पे होते हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मूव कर रहे होते, रहे होते हैं या तो ये जैसे आप यहाँ पे एनिमल सेल देखे ना एनिमल सेल में आपको मैंने यहाँ बताइए यह जो आपको दरमियान में हमारे पास बिल्कुल क्या है ये न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अराउंड में हमें क्या नजर आ रही है जो येलो येलो सी लाइन नजर आ रही है हमारे पास के कौन सी अः है हमारे पास एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम है ठीक है उन्होंने कहा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना इसके ऊपर छोटे छोटे से जैसे आपको बताइए जो ब्लैक कलर के डॉट्स हैं क्या है कि हमारे पास

ठीक है दे आर नॉट बाउंड बाय्रेन ठीक है हम कहते हैं ये जो राइबोसोम्स है इनके ऊपर कोई भी मिम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती ठीक है यानी कोई एक जैसे हर एक फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें ना कोई भी चीज है जैसे एक सर्कल की बात करें या चलो राइबोसोम्स ही ले लें ले, कि राइबोसोम ले लें ले, तो आ, कोई भी चीज उसकी एक बाउंड्री होती है ना एक हद होती है तो हम कहते हैं उसकी वॉल है तो राइबोसोम कैसे में कहते हैं दे आर नॉट बाउंड बाय्रेन यानी इनके इनकी सराउंडिंग में इनके बाहर कोई खास किस्म की वॉल नहीं होती ठीक है यानी कि कोई खास मेमब्रेन नहीं होती जिसकी वजह से हम कि यहां पे एक राइबोसोम का दाना खत्म हो गया होते हैं ठीक है बाद ये यहाँ पे सेल की अगर हम बात करें तो सेल दो तरह के होते हैं ठीक है या तो वो यूक्रियोर्ड्स होते हैं या फिर वो होते हैं अब थे कि ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर हम कहते हैं दे हैव नॉट प्रो न्यूक्लियस ठीक है इनके अंदर जो सही न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट नहीं होता ठीक है अब सही से मतलब क्या है कि न्यूक्लियस की जो वॉल्स होती है ना ये न्यूक्लियर वॉल होती है अगर हमने आपने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया होगा तो हमें पता होगा न्यूक्लियस को किसने बाउंड किया होता है उसके इटगी खास किस्म की वॉल होती है ठीक ठीक है 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 सी डबल लेयर होती जिसको हम न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या वॉल कहते हैं अब वो जब नहीं होती तो हमारे पास न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के अंदर एक बिखरा हुआ सा नजर आ रहा होता है ठीक है यानी उसकी वॉल होती स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती वो उसके अंदर ही एक मर्ज फॉर्म में हमें नजर आ रहा होता है ठीक है सेल के अंदर लेकिन यू क्रियोर्ड्स के अंदर वो बिल्कुल सही नजर आ रहा होता है दरम्यान में एक स्पेसिफिक उसकी बाउंड्री होती है हमें पता है कि उस न्यूक्लियस के अंदर जो डिफरेंट सॉरी डिफरेंट

ठीक है अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि यू के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है ये यू में भी प्रेजेंट होता है ये प्रोक्रोर्ड्स में भी प्रेजेंट होता है इसके बाद ये कि आर लार्जर देन प्रोक्रियो ठीक है अब हमने अभी देखा जैसे दो सेल से साल प्रोक्रियोड्स और हमें देखा वो वाले थे जिनके अंदर जो uh, न्यूक्लियस होता है उनकी एक स्पेसिफिक वॉल होती है और इसमें ज्यादा प्रेजेंट होती है एज टू प्रोक्रियोर्स अब हम कहते हैं हमने देखा राइबोसोम जो है वो दोनों में पाया जाता है यूक्रियोटिक सेल में भी पाया जाता है और प्रोक्रियोटिक्स में भी पाया जाता है ठीक है नॉर्मली प्रोक्रोड्स में सारे स्ट्रक्चर नहीं होते ठीक है जैसे बाकी बाकी ऑर्गेनालीस नहीं होती लेकिन राइबोसोम प्रोक्रोट में भी होते क्यों होते क्योंकि उसकी कोई वॉल नहीं होती दे आर नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन ठीक है लेकिन क्या होता है कि जो यूकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो उनका साइज जो होता है वो बड़ा होता है ठीक है वो देखने में में लार्जर नजर आते हैं लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर उनका साइज जो होता है थोड़ा छोटा होता है ठीक है यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर लार्जर देन प्रोकैरियोट्स इसके बाद हम इसकी कंपोजिशन की बात करें कि राइबोसोम किससे मिलकर बनता है ये एक्चुअली होता है क्या तो हम कहते है, हैं इट इज द इक्वल अमाउंट्स ऑफ प्रोटींस एंड राइबोसोमल आरएनए ठीक है अब ये किससे मिलकर बनता है इसके अंदर दो चीजें होती हैं यानी प्रोटींस और राइबोसोमल थे, RNA, अब आर का मतलब ये कि ये राइबोसोमल से लिया हो गया आ, राइबोसोमल का छोटा आर है और बड़ा आर एन ए वैसे लिखते हैं इसको हम एज एवेशन आर आर एन ए लिखते हैं ठीक है स्मॉल आर विद कैपिटल आर एन ए अब आर एन ए का मतलब क्या होता है ये हमारे पास राइबो न्यूक्लिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है ठीक है आर एन ए न्यूक्लिक एसिड तो हम कहते हैं कि जो है ये जो राइबोसोम्स होते हैं ना ये एक्चुअली क्या किससे मिलके बनते हैं यानी हमारे पास अगर राइबोसोमल आरएनए आर और प्रोटीन जब आपस में मिलते हैं इन दोनों की अमाउंट यानी इन दोनों आपस में तकरीबन इक्वल अमाउंट का मतलब एक जैसी मकदार होती है डिफरेंट प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए जब आपस में मिलते हैं तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास राइबोसोम्स बन जाते हैं ठीक है अब ये जो राइबोसोमल्स आरएनए है ना ये हमारे पास क्या होते हैं ये इसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है

तो हमारे पास क्या होता है कि जो राइबोसोमल आ रहे हैं अमाइनो एसिड्स की असेंबली को कैटालाइज करते हैं ठीक है ठीके? अब अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं ये अमाइनो एसिड हमारे पास प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ठीक है यानी कि एक अमाइनो एसिड होगा फॉर एग्जाम्पल एक अमाइनो एसिड होगा प्लस दूसरा अमाइनो एसिड फिर मिलेगा फिर मिलेगा ठीक है इस तरह से डिफरेंट अमाइनो एसिड आपस में मिल रहे होते हैं डिफरेंट अमाइनो एसिड और उनके सब मिलने से हमारे पास हमारे पास क्या बनता है हमारे पास प्रोटीन्स बन जाते हैं ठीक है प्रोटीन्स बन जाते हैं अब ये जो राइबोसोमल आ रहे होते हैं ना राइबोसोमल आरएनए राइबोसोमलो एसिड के मिलने के अमल को तेज कर देता है उनको हायर करता है ठीक है इसके अलावा भी तो हमारे पास ट्रांसलेशनिक प्रोसेस होते हैं पढ़ेंगे इसके बारे में तो हम कहते हैं कि राइबोसोम्स के जो मिलते हैं किससे मिलकर के बंदे या तो इनके अंदर प्रोटीन होते हैं और राइबोसोमल आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो प्रेजेंट होता है अब ये हम कहते हैं ये जो राइबोसोम्स है आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस साइट्स का मतलब ये एक ऐसी जगह एक ऐसी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता।, होता है प्रोटीन सिंथेसिस क्यों होता है ये राइबोसोमल आरएनए की वजह से होता है ठीक है अभी हमने देखा कि राइबोसोमल आरएनए क्या करता है कि प्रोटीन जब प्रिपेयर होना होता है ना ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस आ,

प्रोटीन आपस में मिलते हैं और हमने देखा था कि ये जो राइबोसोमल आर आर एन ए है ये हमारे पास हेल्प करता है अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन में ठीक है एक प्रोटीन की में उनको हेल्प करता है उनके प्रोसेस को कैटालाइज करता है और वो कैटालाइज करता है तो रिजल्ट में हमारे पास प्रोटीन्स बन जाती है अब प्रोटीन का जो बनना है वो सेल के लिए एक इंतहा अहम प्रोसेस है इसीलिए हम कहते हैं कि एक सेल के अंदर राइबोसोम्स हैं वो ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं ठीक है ठीके? आपने अगर आप सेल की स्ट्रक्चर देखे हो तो आपको पता चले कि हमें डिफरेंट छोटे छोटे स्कैटेड में बिखरे हुए नजर आते हैं लार्ज नंबर में नजर आते हैं इनकी अमाउंट बाकी स्ट्रक्चर की निस्बत ज्यादा होती है बाकी ऑर्गेनालीस की ज्यादा जो पाए जाते क्यों पाए जाते हैं हमें रीजन समझ आएगी कि इन्होंने क्या करना होता है प्रोटीन की हेल्प करना होता है प्रोटीन सेल का एक इंपॉर्टेंट रोल फंक्शन है एक इंपॉर्टेंट

तो क्या होता है इट डिसम्बल अब एजेंबल का मतलब क्या होता है मिलना जुलना ठीक है इकट्ठा होना डिसम्बल का मतलब है इकट्ठे ना होना टूट जाना ठीक है सिंपली कह सकते हैं कि टूट जाते हैं टू स्मॉलर यूनिट ठीक है अगर तो वो फंक्शन करें तो ठीक है लेकिन अगर वो, वो वर्किंग नहीं करें इन सेल के अंदर तो क्या होते हैं वो ब्रेक ब्रेक हो हो जाते ब्रेक हो जाते हैं हैं डाउन दो यूनिट्स के अंदर टू स्मॉलर यूनिट्स अब वो कौन से यहाँ पे आप देखिए आपके बुक में, में भी डायग्राम शो की गई है ये हमारे पास एक लार्जर यूनिट है ठीक है और ये हमारे पास एक स्मॉलर यूनिट है ये नहीं रेबोसोम का ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर है तो ये दो हिस्सों में टूट गए ठीक है ये एक बड़ा सारा सेल हमें फील हो रहे है कि टूट के बेसिकली ये पूरे क्राइबोसोम ही होगा लेकिन ये हमारे पास दो सेल्स से एक दो यूनिट नजर आ रहे हैं एक थोड़ा बड़ा होता है और एक छोटा सा छोटा होता है तो ये पूरा राइबोसोम्स के बारे में था इसके बाद हम माइट्रोकॉन्नडिया जो हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनैली सेल का वो हम जानते हैं अगर माइट्रोकॉन्ड्रिया को देखो हम कहते हैं कि इसको सिंगुलर फॉर्म में माइट्रोकॉन्ड्रियन कहते हैं यानी सेल के अंदर माइट्रोकॉन्ड्रियान जो है वो हमारे पास एक स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनाली है लेकिन अगर, अगर हम ज्यादा सारे माइट्रोकॉन्ड्रियान की बात करें तो हम कहते हैं इट इज माइट्रोकॉन्ड्रिया माइट्रोकॉन्ड्रिया सिंगुलर फॉर्म इसकी माइट्रोकॉन्ड्रियान है अच्छा माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर ठीक है ये बात इम्पोर्टेंट है कि माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या है वो डबल होता, होता, uh, होता, uh, होता, uh, होता है लेकिन माइट्रोकॉन्ड्रिया का प्रेजेंट है ओनली इन यूकैरियोट्स ठीक है अब इसका हम देखते स्ट्रक्चर uh, तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर आता है आप देखें तो हमें नजर आ रहा है बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कप सा होता है कप के अंदर कोई चीज हमने एक रखी होती है ये एक नया ऑर्गेनल रखा लेकिन एक्चुअली क्या है ये दो, दो मेम्ब्रेन है यहाँ पे लिखा हुआ आउटर मेम्ब्रेन ये जो आपको ब्राउनिश सी कलर में एक डार्क ब्राउन कलर की आपको नजर आ रही है ना बाहर से ये हमारे पास एक आउटर मेम्ब्रेन है यानी इसकी आउटर कवरी बाहर वाली है इसके बाद ये जो अंदर आपको नजर आ रहा है ना ये इस तरह से साइड साइड से ये हमारे पास एक दूसरी लेयर है ठीक है ये जो एक हमें फोल्डिंग सी नजर आ रही है ना थोड़ी सी इस तरह सी रेंडम फॉर्म में ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास दूसरा इसका स्ट्रक्चर इसको हम कहते हैं कि हमारे पास इनर मिम्ब्रेन है ठीक है यानी माइक्रोकॉन्ड्रिया के वो डबल मिमब्रेन है इसकी दो लेर इसकी दो लेर्स नहीं बल्कि कह सकते हैं इसकी दो बाउंड्रीज होती होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी चीज हो ना जैसे एक सेल है तो सेल का एक वॉल होती है बाहर वाली बाउंड्री उसकी कवरिंग साथ एक दूसरी हमारे पास इस तरह से एक दूसरी एक बन मिमब्रेन मेमब्रेन का मतलब होता है लेकिन मतलब एक तह सी बन जाती है तो माइट्रोकॉन्ड्रिया हम कहते हैं हम कि हमारे पास डबल मिमब्रेन है ठीक है डबल मिम्ब्रेन बाउंड्रेड स्ट्रक्चर है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है ओनली इन यूक्रियोड ठीक है ये बात इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास माइट्रोकॉन्ड्रिया है वो में ही पाया जाता है और ये डबल मिम्ब्रेन होता है ठीक है ये बिल्कुल ब्राउनिश से कलर में जो नजर आ रही है ठीक है बाहर वाली और एक ये जो आपको नजर आ रही है ये जो इस तरह सी नजर आ रही है इनर का इनर का ना इनर का क्योंकि ये आउटर के अंदर पाई जाए इसका इसलिए हम इसको कहते हैं कि हमारे पास इनर मेमब्रेन है ठीक है इसके अलावा ये जो आपको इनर मेमब्रेन के अंदर एक बिल्यूस है ये जो मटेरियल नजर आ रहा है ना बिल्कुल इस तरह ये जो मटीरियल इसको हम कहते हैं हमारे पास माइट्रोकॉन्डियल मैट्रिक्स है क्या है माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है और ये जो फोल्डिंग्स बनी होती है ये जो देखिए ये फोल्ड फिर एक दफा जाके अंदर को मुड़ जाती है है ठीक यानी ये बिल्कुल बाहर नहीं है थोड़ी सी मुड़ी हुई नजर आ रही है यहाँ से भी मुड़ जाती है एक फोल्डिंग सी बनी हुई है हमें इस फोल्डिंग्स को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है क्रिस्ट्राई है हमारा इसको डिटेल से देखते हैं आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइट्रोकॉन्ड्रियाल इज स्मूथ ठीक है स्मूथ का मतलब वो बिल्कुल हमवार सी होती है जैसे ये हम वही स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये बिल्कुल एक स्मूथ है एक इसमें कोई फोल्डिंग नजर नहीं आ रही अंदर से बिल्कुल भी ये नहीं मुड़ रहा तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है ये हमारे पास स्मूथ स्ट्रक्चर है ठीक है आउटर मिम्ब्रेन जो होगी बिल्कुल स्मूथ होगी लेकिन जो इनर मिम्ब्रेन है फॉर्म्स मेनी फोल्डिंग्स ठीक है वो वो क्या बनाती है बहुत सारी फोल्डिंग बनाती है जैसे ये अंदर आप देखें तो हमारे पास ये अंदर को मुड़ जाती है फिर अंदर यानी एक लेयर्स पे ऊपर लेयर ले एक किस्म की एक तह तहसी तह बना देती है अंदर को मुड़ जाती है ठीक है यानी ये बिल्कुल ए, एक चीज होती है स्ट्रेट होती है लेकिन एक चीज वो इस तरह से ऐसे 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 कर बन बन जाती है ठीक है तो हमारे पास ये क्या होती है फोल्डिंग्स हो जाती है हम कहते हैं हमारे पास ये फोल्डिंग्स है इन फोल्डिंग्स को हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं वो क्या है क्रिस्टाइन ठीक है यहाँ पे भी लिखा हो यानी ये जो एक फोल्डिंग सी आपको नजर आ रही है जो बेंडिंग फॉर्म में आपको नजर आ रही है हमारे पास क्या क्रिस्टाई है इसी क्रिस्टाई का की सिंगुलर फॉर्म जो होती है वो क्रिस्टा होती है ठीक है और ये जो फोल्डिंग्स है इन द इनर माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स अब मैट्रिक्स इनर माइट्रोकॉन्डियो मैट्रिक्स क्या है ये जो माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी हमें फ्लूड नजर आ रहा है ना सा कलर में ये जो फ्लूड आपको नजर आ रहा है ये वाला जो फ्लूड है ये हमारे पास क्या है माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है तो हमने देखा कि हमारे पास इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद हो तो उसका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं और मैट्रिक्स के साथ हमारे पास जो है वो फोल्डिंग जो होती है उन हम नाम देते हैं, का नाम देते हैं एक तो हमें क्रिस्टाई क्या होती है जो जो फोल्डिंग होती है और फोल्डिंग्स के अंदर जो हमें फ्लूट नजर आ रहा होता है जो माइट्रोकॉन्ट्रिया के अंदर एक फ्लूट है जो उसके अंदर एक सा हमें नजर आ रहा है ठीक है उसको हम नाम देते हैं मैट्रिक्स का और माइटोकॉन्ट्रिया के अंदर ये मैट्रिक्स पाया इसलिए हम उसको नाम देते हैं माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स राइट अब हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स uh, के सॉरी uh, क्रिस्टाई है ये जो फोल्डिंग्स है इनका एक काम ये क्यों फोल्डिंग होती है दिस सर्वस टू दिस सर्व इसका क्या फंक्शन है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन ठीक है अब ये क्या करते हैं कि इनर मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया को इंक्रीज uh, करते हैं ऑन व्हिच मेम्ब्रेन बाउंड्री रिएक्शंस इसको आप यू समझे फॉर एग्जाम्पल एक चीज होती है हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट होती है ठीक है एक चीज होती है वो स्ट्रेट होती होती है है अब ये क्या होती है? इसने कितना जगह ये आप इसको ऐसे जैसे एक स्ट्रिंग है एक रस्सी है ठीक है एक एक रस्सी को हमने क्या किया सीधा रख दिया सी, बिछा दिया बिल्कुल एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक हमने उसको ऐसे रस्सी को रख दिया ठीक है और इसी रॉब को हम क्या करें अगर इस तरह से आ, मतलब ये रस्सी सीधी है ना इसको पकड़ के हम इसे गोल गोल बना दें, ठीक है इसको थोड़ा सा मुड़ दे जिस तरफ हमारा दिल करता है रस्सी को हम एक जगह पर बाइंड कर लें अब जिसने स्पेस कितनी खाली होगी ये रस्सी अगर हम इसको सीधा रखेंगे तो हमारे पास इस तरह स्ट्रेट होगी और इसने ज्यादा स्पेस नहीं लेकिन इसी रस्सी को जब हमने इस तरह फोल्ड कर लिया तो हमारे पास क्या हुआ क्यों वो छोटी सी जगह यहाँ पे भी स्पेस खाली है यहाँ पे भी स्पेस खाली है ठीक है यही रस्सी जो यहाँ से लेकर इस सिरे तक थी अगर उसी रस्सी को हमने फोल्ड कर दिया है फोल्डिंग बना दिया है तो हमारे पास क्या हुआ इधर से भी स्पेस खाली होगी इधर से भी स्पेस होगी यही छोटी सी थोड़ी सी जगह में आ गई ठीक है तो हमने देखा था कि हमारे पास माइट्रोकॉन्ड्रिया की हम बात करें ना तो माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर जो हमने देखा जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डिंग्स बनाई होती है ठीक है इसमें फोल्डिंग ये नहीं है एक जगह थोड़ी हमें फोल्ड नजर नजर आती है इसकी थोड़ी सी अः मतलब लेयर्स के ऊपर लेयर्स ऊपर चढ़ी हुई नजर आती है ठीक है इस तरह फोल्डिंग्स ही नजर आ रही होती है अब ये फोल्डिंग्स की वजह से क्या होता है सरफेस एरिया बढ़ जाता है ठीक है सर इंक्रीज द सर्फस एरिया सर्फस एरिया मतलब जगह बढ़ जाती है ठीक है जैसे हमने देखा है कि रोप अगर थी सीधी रस्सी थी अगर उसी रस्सी को हमने एक ही जगह फोल्ड कर दिया तो हमारे पास स्पेस खाली हो गई ना जगह खाली हो गई इसी तरह जब ये फोल्डिंग्स माइक्रो के अंदर बन जाती है तो हमारे पास स्पेस जो होती है वो खाली हो जाती है अब जो खाली जगह होती है

वो खाली जगह के अंदर हो जाते ठीक है तो इन फोल्डिंग्स का क्या फंक्शन है जिससे द सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन, ठीक है

कि हमारे पास एनर्जी ये भी हम इसको माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कि हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर्स है सेल के अंदर ना ये माइट्रोकॉन्ड्रिया की हम बात करें तो माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है कि फूड में ना टूट जाना यानी फॉर एग्जाम्पल जो सेल का फूड होता है यानी हमारे बॉडी के अंदर प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर हर लिविंग में हमारे पास सेल होता है ना तो सेल के अंदर फूड में जो टूटना होता है ठीक है फूड का जो टेक प्लेस होता है उसमें जो टूटना होता है वो माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ठीक है अब इसमें डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं केस में पहले ग्लाइकोलोसिस होगा फिर इसके बाद हमारे पास एक दूसरा रिएक्शन होता है जिसको हम कहते हैं कि हमारे से एक सिट्रिक एसिड साइकिल है, फिर इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये सीरीज में रिएक्शन होते हैं एक लंबे रिएक्शन होते हैं अब वो जो डिफरेंट रिएक्शन होते हैं उनके बाद हमारे पास एंड प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास क्या होती है इनर्जी होती है ठीक है तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना हम इसको कहते हैं ये एनर्जी सेंटर है ठीक है ये हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस कहते हैं इनके अंदर जो है ना वो एनर्जी प्रोडक्शन होती है एनर्जी ठीक है इसीलिए हम इनको कहते हैं कि हमारे पास सेल का एनर्जी हाउस है ठीक है एनर्जी हाउस भी कहते हैं इसके अलावा हम इसको एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर भी कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि एरोबिक एरोबिक एरोपायरेशन वही हमारे पास की ऑक्सीजन की मौजूदगी में हमारे पास रिस्पायरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होना ठीक है इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं कि हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया का हम आ, सेल का क्या कहते हैं कि हमारे पास एनर्जी सेंटर है ठीक है एनर्जी हाउस कहते हैं अब ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना सेल के डिफरेंट फंक्शन ठीक है फिर ये ट्रांसपोर्ट हो जाती है डिफरेंट सेल्स में और हमारे पास बॉडी के जो फंक्शन होते हैं वो uh, मतलब पूरे होते, ATPs होते हैं ठीक है एटीपीज की फॉर्म की एनर्जी प्रोड्यूस होती है जब ये सीरीज में डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं ठीक है हमने देखा ग्लाइकोलाइसिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ये भी डिटेल uh, से आप हाई क्लासेस में इसके बारे में भी जान लेंगे तो हम कहते हैं कि माइटोकांड्रिया कहते हैं कि हमारे पास सेल का इनर्जी हाउस होता है यानी यहाँ पे सेल ने अपनी फूड को तोड़ के मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं और बड़े कॉम्प्लिकेशन स्टेप्स होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में और इन सब uh, steps के हमारे पास एंड रिजल्ट जो होता है वो एनर्जी होता है जो कि माइक्रोकॉन्ड्री के अंदर बन रही बनती हैं तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं कि हमारे पास सेल का एनर्जी हाउस है ठीक है दिस इज ऑल अबाउट माइट्रोकॉन्स थैंक यू सो मच आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस नेक्स्ट डिस्कस थैंक्स फॉर ऑर्गेजिंग